तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं सौरभ भाई के घर के इधर, और आप देख सकते हो यहाँ पे खड़ी हुई है सौरभ भाई की महिंद्रा थार पीछे, और यहाँ पे खड़ी हुई है सौरभ भाई की फॉर्च्यूनर। तो चल भाई शिनचैन आजा, जल्दी से चलते हैं फटाफट से अंदर। तो चलो यार गाइज हम लोग आ गए हैं सौरभ भाई के घर के अंदर, तो चलो मैं आपको मिलवाता हूँ सौरभ भाई से। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और GTA 5 की एक और नई कमाल की वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग वापस से जाने वाले हैं अपने सौरभ जोशी भाई के घर पर, और हाँ यार आज हम उनसे फेस टू फेस मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि यार मैंने जब अपनी पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आप सौरभ जोशी से मिलो, आप सौरभ जोशी से GTA 5 के अंदर मिलो और उनका जो घर है वो आप हमें अंदर से भी दिखाओ। तो फाइनली गाइस मैं आज आप लोगों को सौरभ जोशी का घर अंदर से भी दिखाने वाला हूँ GTA 5 के अंदर, और आज हम उनसे वापस से मिलने वाले हैं क्योंकि जब हम पिछली बार उनके घर गए थे तब वो वहां पर नहीं थे, लेकिन हमने उनकी कार्स चला के देखी थी, बाइक्स चला के देखी थी। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो। और हाँ यार आज हमारे साथ हमारा एक और मेहमान है जो हमारे साथ सौरभ जोशी के घर चलने वाला है। अरे हेलो गाइस, मेरा नाम है शिनचैन नवारा और मेरी उम्र है 5 साल और मुझे खाने में शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो गाइस आप जानते ही होंगे इसको, तो यार कौन नहीं जानता, इसको तो सभी लोग जानते हैं। तो आज हमारे साथ चलने वाला है शिनचैन नोहारा सौरभ भाई से मिलने। क्यों भाई शिनचैन, तू भी सौरभ जोशी व्लॉग्स तो देखता होगा और पीयूष तो तेरा भी फेवरेट ही होगा। अरे हाँ, मैं भी सौरभ जोशी व्लॉग्स देखता हूँ। वैसे आपको एक सीक्रेट बात पता है? हाँ बताना, क्या बात है? अरे जो पीयूष है ना वो भी मेरा कार्टून देखता है शिनचैन। अबे क्या बात कर रहा है, अच्छा ऐसी बात है यार, ये तो मजा आ गया, हम भी फेमस वो भी फेमस। अरे फ्रैंकलिन भैया, हम भी फेमस से क्या मतलब है, ओनली मैं ही फेमस हूँ समझिए। अबे हाँ यार मैं फेमस तो ही हूँ, मुझे पता है। गाइज आप लोग इस वीडियो को लाइक देके जल्दी से मुझे भी फेमस बना दो। अरे भीख मांगने की भी हद होती है। अबे हाँ यार बस बस, बहुत कर ली तूने मेरी बेइज्जती। तो चले हम सौरभ भाई के घर। अरे हाँ हाँ चले चले, मुझे पीयूष से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है। हाँ तो आजा भाई शिनचैन, फिर चलते हैं जल्दी से सौरभ भाई के घर पर। वैसे आज हम और कहाँ जाने वाले हैं? हाँ तो हम वहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तब तुझे पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम सौरभ भाई के साथ घूमने भी जाने वाले हैं। तो गाइस यार वीडियो पे बने रहना, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और जिसने लाइक नहीं किया हो तो यार लाइक जल्दी से कर दो। चल भाई शिनचैन, तो गाइस यार आज बहुत मस्त चीज होने वाली है, आज शिनचैन मिलने वाला है पीयूष से, तो क्या तबाही होगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यार पीयूष भी शैतान है और शिनचैन का तो यार सभी को पता ही है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं शैतान नहीं हूँ, आपने मेरा बेफालतू में नाम बिगाड़ रखा है। अबे वो सबको पता है यार साले, तू तो पीयूष से ज्यादा भी शैतान है। अरे गाइस आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि मैं कितना मासूम हूँ। हाँ भाई सबको पता है कि तू कितना मासूम है। अरे वैसे फ्रैंकलिन भैया पीयूष का घर कितना दूर है? अबे तू चिंता मत कर, हम पहुंच जाएंगे, तू बस राइड को एंजॉय कर। अरे फ्रैंकलिन भैया जब से हम घर से निकले ना तब से कम 50 गाड़ियों को ठोक दिया होगा। अब 50 गाड़ियां तो मैंने आसपास देखी नहीं है अपने, और तू कह रहा 50 गाड़ियों को ठोक दिया होगा, कैसी बातें करता है यार। अरे सच में मैं सच कह रहा हूँ। अब तू पगला हो रहा है यार, चल आजा जल्दी। अरे वैसे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से बताओ ना हम कहाँ घूमने चलेंगे सौरभ जोशी के साथ? अब वो तो मैं अभी कह तो रहा हूँ, मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो तो हम उनके साथ ही मिलकर डिसाइड कर लेंगे फिर हम चलेंगे। बढ़िया सी कोई अच्छी सी जगह पे घूमने चलेंगे अपन, तो तू टेंशन मत ले। अरे हाँ, अब तो बहुत मजा आएगा, अब तो बहुत दिनों बाद घूमने जाएंगे। अब क्या कर रहा है बहुत दिनों बाद साले, तू रोज तो घूमता रहता है, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। तो चलो यार हम पहुंच गए हैं सौरभ जोशी के घर के गली के बाहर, तो चलो फटाफट से यहाँ पे अपनी कार पार्क कर देते हैं। तो शिनचैन रेडी है भाई पीयूष और सौरभ भाई से मिलने के लिए? अरे फ्रैंकलिन भैया मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ तो फिर आजा चल। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सौरभ भाई के घर के इधर, और आप देख सकते हो यहाँ पे खड़ी हुई है सौरभ भाई की महिंद्रा थार पीछे, और यहाँ पे खड़ी हुई है सौरभ भाई की फॉर्च्यूनर। तो गाइस क्या ही लग रही है यार, नीचे कमेंट करके बताओ आपको फॉर्च्यूनर ज्यादा अच्छी लग रही है या थार ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे शिनचैन तुझे दोनों में से कौन सी कार अच्छी लग रही है? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो महिंद्रा थार ज्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ सच बात बोलूं, पर्सनली फेवरेट मेरी भी महिंद्रा थार है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया चलो, बहुत चपड़ चपड़ हो गई, अब चलो जल्दी से सौरभ भाई से मिलते हैं। हाँ चल आजा फिर जल्दी से चलते हैं। तो गाइस हम फाइनली जाने वाले हैं सौरभ भाई के घर के अंदर, मैं आपको आज सौरभ भाई का घर अंदर से भी दिखाने वाला हूँ और प्लस उनसे मिलवाने वाला भी हूँ। तो चल भाई शिनचैन आजा जल्दी से चलते हैं फटाफट से अंदर। तो चलो यार गाइस हम लोग आ गए हैं सौरभ भाई के घर के अंदर, तो चलो मैं आपको मिलवाता हूँ सौरभ भाई से। अरे फ्रैंकलिन भैया इनका घर तो कितना सुंदर ही। अबे हाँ यार घर तो बहुत सुंदर है, चल आजा आजा फटाफट से मिलते हैं। अरे वो देख शिनचैन, वो रहे सौरभ भाई और पीयूष। अरे हेलो पीयूष, हेलो सौरभ भाई। अरे हेलो हेलो, आप लोग आ गए? हाँ सौरभ भाई हम आ गए।
गए। अरे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं सौरभ भाई, आपके घर आए और दिक्कत हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है। वैसे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सौरभ भाई के गले पर ही लटका हुआ है DSLR, इससे दिख रहा है यार सौरभ भाई हर वक्त जो है वो व्लॉगिंग में ही इंटरेस्ट रखते हैं। यार ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अरे हाँ यार वो बार बार निकालने और रखने का झंझट होता है इसलिए मैंने गले में टांग दिया। हाँ सौरभ भाई ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। और पीयूष भाई तू बता तू कैसा है? अरे मैं भी एकदम मस्त हूँ, आप बताओ फ्रेंकी भैया, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। अरे मेरे बारे में सुना है? अरे मेरे बारे में कहाँ सुना होगा, अरे उनका मतलब मेरे बारे से होगा। अरे ये क्या, ये तो शिनचैन है ना। अरे हाँ पीयूष, मेरा नाम है शिनचैन द्वारा, मेरी उम्र है 5 साल, अब पहचाना है मुझे तुमने? अरे हाँ हाँ, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा यार, तुम्हें तो बच्चा बच्चा पहचानता है। हाँ ये बात तो सही कह रहा है यार, ये शरारत ही इतनी करता है कि इसको बच्चा बच्चा पहचानता है। मैं तुम्हारा कार्टून रोज देखता हूँ। अरे मैं भी तुम्हारा व्लॉग रोज सुबह 8 बजे देखता हूँ। वो भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है यार, पीयूष इसका कार्टून देखता है, ये पीयूष का व्लॉग देखता है, मतलब यार गजब ही हो रहा है गाइस, यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। तो सौरभ भाई मैं आपके घर का टूर दे दूँ छोटा सा इधर? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं दे दो ना। चलो यार सौरभ भाई के घर का आपको मैं छोटा सा टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल जो है वो सोफा लगा हुआ है, सामने आपको टीवी देखने के लिए मिल रहा होगा, और यहाँ पे यार आते से ही आप देख सकते हो यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है। तो सब लोगों को पता होगा यार सौरभ भाई को पेंटिंग का जो आर्ट का शौक है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए सौरभ भाई ने यहाँ पे इतनी बड़ी अपनी हैंडमेडेड पेंटिंग लगा रखी है, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सौरभ भाई को हरियाली भी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे इन्होंने पेड़ वगैरह भी लगा रखे हैं घर में। और ये इनका छोटा सा किचन है। वैसे किचन से याद आया सौरभ भाई, आपके जो मम्मी पापा हैं और साहिल भाई वो लोग कहाँ हैं? और वो जो साहिल है ना वो मम्मी पापा को लेके मार्केट गया है। अरे अच्छा अच्छा, तभी आपकी बाहर इनोवा नहीं दिखी हमको। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब मम्मी पापा से भी मिल लेंगे और साहिल भाई से भी मिल लेंगे, अगर आप नीचे कमेंट करके बोलोगे तो। और यहाँ पे देख सकते हो सौरभ भाई का यहाँ पे मैकबुक पड़ा हुआ है जिसपे सौरभ भाई एडिटिंग करते हैं, तो यहाँ पे सौरभ भाई का एडिटिंग का पूरा सेटअप है। और गाइस यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ से ये जो एंट्रेंस है यहाँ से घर का, तो ये भी अभी आपने देख ही लिया था जब हम लोग आए थे। और ये सौरभ भाई का छोटा सा बेडरूम है जहाँ सौरभ भाई शायद सोते हैं, तो काफी अच्छा सा बेडरूम है, काफी बेसिक सा बेडरूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से बाहर चलते हैं। अरे फिंकट भैया इतना अच्छे से तो आपने अपने घर का भी टूर नहीं दिया कभी। अरे अच्छा शनशान इतना अच्छा टूर दे दिया क्या मैंने? अरे हाँ फिंकट भैया सही बोल रही हूँ, आपने बहुत अच्छा टूर दे दिया। अबे थैंक यू आ जा भाई शनशान भाई। चलो यार शनशान ने पहली बार तारीफ तो करी हमारी। अरे फिंकट भैया आप तो कह रहे थे हम लोग घूमने चलेंगे। अरे हाँ आ जा सौरभ भाई और पीयूष से पूछते हैं कि क्या वो लोग हमारे साथ घूमने चलेंगे। तो सौरभ भाई और पीयूष भाई अगर आप लोग फ्री हो तो क्या आप लोग हमारे साथ घूमने चलोगे? अरे हाँ हमारी भी घूमने की बहुत इच्छा थी, हम लोग भी आपके साथ घूमने चलते हैं, लेकिन अभी साहिल जो है और मम्मी पापा घर पे नहीं है, तो घर का ख्याल रखने के लिए हमें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। अरे हाँ यार ये बात तो सही है यार, घर खाली नहीं छोड़ सकते और घर अकेला भी नहीं छोड़ सकते। अरे लेकिन हम एक छोटा सा चक्कर मार के आ सकते हैं। अरे अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो देरी किस बात की। हाँ चलो फिर छोटा सा चक्कर पहाड़ की तरफ से मार के आ जाते हैं। अरे हाँ फिर भैया छोटा सा चक्कर मारने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोटा ही चक्कर मार के आते हैं। हाँ तो चलो गाइस हमने सौरभ भाई को मना लिया है, तो वो हमारे साथ छोटा सा चक्कर मारने चल रहे हैं, तो फटाफट से चलो अब पहाड़ की तरफ।